हेलो एवरीवन आज के हम वीडियो में देखेंगे थ्री टायर और थ्री लेयर आर्किटेक्चर थ्री टायर और थ्री लेर आर्किटेक्चर में क्या होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में थ्री टायर और थ्री लेर आर्किटेक्चर क्या होता है लेकिन अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था टू टायर और टू लेर आर्किटेक्चर क्या होता है प्लीज़ वो भी वीडियो एक बार देखे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा थ्री टायर आर्किटेक्चर हमें की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थ्री टायर आर्किटेक्चर की और डिफरेंस बिटवीन क्या है इन दोनों में टू टायर में और थ्री लेयर में क्या डिफरेंस है वो भी एक बार वीडियो सीन कर लें और चलेगा कि हम वीडियो में देखें थ्री लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली इसमें थ्री लेयर होती है वन लेयर सेकेंड लेयर थ्री थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर होती है क्लाइंट लेयर की सेकेंड लेयर होती है एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर की एंड थर्ड लेयर होती है सर्वर साइड या डाटा साइड की जो क्लाइंट लेयर होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकती डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो हमने सेकंड वीडियो में देखा था टू टायर आर्किटेक्चर में उससे डिफरेंस है उसमें क्या था कि जो हमारे जो क्लाइंट थे वे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे थे एक बार उसे भी देख ले तो आप लोग ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है लेकिन हम फिर भी यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे कि जो हमारे क्लाइंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे थे अपने डाटा बेस से और डाटा सर्वर से लेकिन यहाँ पे क्या है थ्री थ्री आर के आर्किटेक्चर में कि यहाँ पर डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पर एक इंटरफेस होता है इंटरफेस आ जाता है या हम कह सकते हैं एक टर्बिडेट आ जाता है जो कि डायरेक्टली डाटा डाटर को यूज करने का कर, करने की अथॉरिटी नहीं देखता जो वन जो, जो वन यूजर है अनदर यूजर का अदर यूजर का डाटा एक्सेस ही नहीं कर सकता वहाँ पे क्या था कि मैनी नंबर ऑफ द यूजर कैन एक्सेस द अनोदर डाट अनोदर अनोदर यूजर डाटा वो किसी यूजर के डाटा को भी एक्सेस कर लेते हैं मैनी नंबर ऑफ द यूजर लेकिन यहाँ पे क्या है कि वन यूजर अपने ही एक क्लाइंट और एक यूजर अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है तो यहाँ पे है बिजनेस लेयर बिजनेस लेयर क्या होता है बेसिकली जो इंटरफेस होता है क्लाइंट का उसमें मैनी नंबर ऑफ द क्वेरी है उसे हैंडल करता है और जो कि डायरेक्ट नोट एक्सिस जो कि डायरेक्टरी एक्सेस डाटा को एक्सेस करने की ऑथोरिटी नहीं देता यूजर को यह इंटरमीडिएट लेयर है यह इंटरमीडिएट लेयर है एप्लीकेशन लिए सेकेंड लेर है फर्स्ट लेयर क्लाइंट लेयर सेकेंड एप्लीकेशन लेयर और बिजनेस लेयर जो कि इंटरमीडिएट है इंटरफेस है यूजर का और थर्ड है सर्वर साइड और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है एडवांटेज द हाई सिक्योरिटी इसकी हाई सिक्योरिटी है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट लेयर आ गई बिजनेस लेयर आ गई इसकी हाई सिक्योरिटी है क्योंकि इसमें बिजनेस लेयर आ गई इंटरफेस लेयर आ गई क्लाइंट के सामने तो इसमें हाई सिक्योरिटी है सिक्योरिटी किस वजह से क्योंकि वन यूजर दूसरे यूजर दूसर का डाटा ही नहीं कर सकता जैसे मैंने हमने मैंने नंबर हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जि, जिसके पास जिसके सबके पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड होता है अगर इफ़ किसी यूजर के पास अपना आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो यूजर अनुदा यूजर का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता तो जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है वो ही डाटा को एक्सेस कर सकता है तो इसमें हाई सिक्योरिटी है क्योंकि जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड हो वही डाटा को एक्सेस करेगा इसमें हाई सिक्योरिटी है और एडवांटेज तो यह हो गया इन द इन द डाटा सर्वर इज़ द हाई सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी है क्योंकि बिकॉज द एप्लीकेशन लेयर इज़ द इंटरमीडिएट जो एप्लीकेशन लेयर है हमारी बिजनेस लेयर है वो इंटरमीडिएट है इज द इंटरमीडिएट इन द क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड में क्लाइंट के सामने इन द क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जो क्लाइंट साइड है जो हमारी क्लाइंट साइड है और जो हमारी सर्वर साइड है उस बीच में उसके बीच में इंटरमीडिएट है या इंटरफेस है क्लाइंट का क्लाइंट का इंटरफेस है तो इसमें हाई सिक्योरिटी इस वजह से है द क्लाइंट एंड सर्वर लेयर द इंटरफेस है एंड द कैन नोट एक्सेस द जो क्लाइंट है कैन नोट एक्सिस द डाटा डायरेक्टली डायरेक्ट डाटा को एक्सेज नहीं कर सकता यूजर कैन नोट डाटा डायरेक्ट एक्सेसिस द यूजर जो यूजर है कैन नाट एक्सिस द डाटा डायरेक्ट डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता यूजर और डिसएडवांटेज मेनली हम इसमें देखते है क्या है हाई मेंटेनेंस इसके हाई मेंटेनेंस क्यों है बिकॉज ड्यू टू द एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर की वजह से ड्यू टू द एप्लीकेशन लेयर एंड बिजनेस लेयर और वी कैन से बिजनेस लेयर बिजनेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर की वजह से हाई इसकी मेंटेनेंस है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस इसी वजह आई है आ, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है एप्लीकेशन लेयर और बिजनेस लेयर में क्योंकि ये इंटरफेस है इंटरमीडिएट है क्लाइंट लेयर और सर लेयर का थैंक यू एवरीवन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो थैंक यू